आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। देश में लगातार हो रही दुष्कर्म की घटनाओं से आक्रोशित होकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आज गंज बासोदा में एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को सौंपा, जिसमें विगत दिनों में हुई उत्तर प्रदेश के हाथरस में वाल्मीकि समाज की बहन, बलरामपुर में 22 वर्षीय युवती, आजमगढ़ और राजस्थान के बारा में घटित हुए दो दुष्कर्म की घटनाओं के आरोपियों को फांसी की मांग करते हुए आक्रोशित विंदु परिषद के कार्यकर्ता लाल परेड ग्राउंड पहुंचे। उनके द्वारा बताया गया कि इस प्रकार की घटनाएं केवल उत्तर प्रदेश और राजस्थान ही नहीं बल्कि देश में निरंतर घट रही हैं। वहीं ठोस कार्रवाई न होने से आरोपियों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलात्कार जैसी निंदनीय घटनाओं को गंभीरता से लेकर संसद में ठोस कानून बनाया जाए, जिसकी अधिकतम एक माह में जांच पूरी की जाए, जिससे बलात्कारियों को फांसी की सजा भी सुनाई जा सके। हाथरस में जो घटना घटित हुई है उसके खिलाफ ये ज्ञापन दिया गया है। इस देश के अंदर बलात्कार की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं एवं इन बलात्कारियों के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई न होने से इनके हौसले निरंतर बुलंद हैं एवं इस देश के अंदर कुछ लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर हिंसात्मक घटनाएँ बढ़ें, निरंतर असामाजिक गतिविधियाँ बढ़ें, इसके लिए कुछ लोग प्रोत्साहन भी देते हैं। ऐसे सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और जो अफवाहें फैलाकर जबरदस्ती वातावरण को और ज़्यादा गंदा करना चाहते हैं ऐसे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में किसी भी बात को अफवाह के रूप में लंबे समय तक खींचते रहते हैं ऐसे लोगों पर भी अंकुश हो और जिन्होंने दंडनीति की है भविष्य में भी ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए इन लोगों को सख्त कार्रवाई हो, इनको फांसी की सज़ा अवश्य देनी चाहिए। ज्ञापन गंज बासोदा में दिया गया है, सभी प्रदेश में दिया नहीं, गया है? ये ज्ञापन पूरे मध्य भारत में और पूरे देश के अंदर दिया जा रहा है। क्यों? कि ये किसी एक व्यक्ति या एक बहन का सवाल नहीं है, ये पूरे देश की बहनों का सवाल है।